पब्लिक टीवी आपकी आवाज। डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन मुरादाबाद के नेतृत्व में जीएसटी के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया। उसमें कहा गया कि जीएसटी काउंसिलिंग की लखनऊ में 54वीं बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें भट्टे में निर्मित लाल ईंटों पर कर की दर 600 से 240 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव अन्यायपूर्ण है, अव्यवहारिक होने के कारण इसे वापस लेने की मांग की गई है। प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि जीएसटी काउंसिलिंग की 45वीं बैठक में भट्टों में निर्मित लाल ईंटों पर कर की दर को बिना आईटीसी क्लेम किए 1% से बढ़ाकर 6% तथा आईटीसी क्लेम करने की दर को 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2022 से पारित किया गया है। भट्टे की ईंटों पर दो प्रकार के अव्यवहारिक और अनुचित कर दर वृद्धि प्रस्ताव को वापस लिए जाने के औचित्य पर सभी ने कहा कि सरकार भली भांति जानती है कि ईंट भट्टा एक ग्रामीण कुटीर सीजनल प्रकृति का उद्योग है। विगत वर्ष से कोरोना महामारी के कारण जहां एक ओर ईंट व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो चुका है, वहीं दूसरी ओर जनसाधारण का भी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होने के कारण वित्तीय स्थिति खराब है। ऐसे हालात में जनसाधारण के निर्माण की मूलभूत आवश्यकता ईंटों पर कर दर बढ़ाने का प्रस्ताव जन विरोधी होगा। आज भट्टा व्यापारी पूरे जिले से एकत्रित हुए हैं और जीएसटी के विरोध में केंद्र सरकार को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया जाए। क्या मांगे, क्या दिक्कत है? मांगे क्या है, पहले जीएसटी भट्टे वाले 1% दिया करते थे, वो बढ़ा के 1% से 6% कर दी गई और जो 5% दिया करते थे वो 5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया। हमारा मानना सब व्यापारियों का यही है कि जीएसटी घटा के जैसे थी पहले उसी के आधार पर होनी चाहिए। भट्टा उद्योग वैसे ही बहुत परेशान है, पिछले वर्ष बहुत घाटे में गया, बहुत बिल्कुल बेकार, क्योंकि कोविड को देखते हुए काफ़ी नुकसान भट्टे वालों को है। तो क्या परेशानियाँ आएंगी इस तरीके? परेशानी ये है, जीएसटी बढ़ने से कोयले की बहुत महंगाई, बिल्कुल जस्ट डबल कोयला, बिल्कुल आंधी तूफान की तरह। लकड़ी बहुत महंगी, कम से कम ईंट की रेट में कम से कम 500 से 700 की बढ़ोतरी होनी चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।